नमस्कार, खास खबर हम आपको दिखा रहे हैं जो जुड़ी हुई है चुनाव आचार संहिता। सुरखी विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से गोविंद राजपूत पर जो है अभी हम आपको बता रहे हैं इस खबर में कि उन पर जो है चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की धारा लगी है। लेकिन कहीं ना कहीं यह राहतगढ़ थाने में मामला दर्ज हुआ है। लेकिन इस पर जो है भाजपा प्रत्याशी गोविंद राजपूत की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने कहा कि यह वीडियो जो है पहले का है। कहीं ना कहीं इस वीडियो की अगर बात की जाए तो तुम तक न्यूज पर हम दिखा रहे हैं जहां प्रतिक्रिया भी आई है यहां पर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी गोविंद राजपूत की। लेकिन प्रकरण दर्ज हुआ है, उन्होंने क्या कहा है आप देखिए तुम तक न्यूज पर विशेष रिपोर्ट। अभी मैंने सुना कि आचार संहिता उल्लंघन में कोई केस दर्ज हुआ है। मैं इसको दिखवाता हूं, मुझे पता नहीं कौन सा मामला है। जहां तक मुझे याद है ये पुराना वीडियो है जहां मैं आचार संहिता लगने के पहले गांव में इस बात को कहता था कि जो गांव अच्छा काम करेगा उसके लिए हम अपनी विधायक विकास निधि से निधि देंगे ताकि उस गांव का विकास हो, मंगल भवन बन सके, सामुदायिक बन सके, सीसी रोड बन सके। ये मैंने कई गांव में कहा है। मुझे लगता है कि कांग्रेस के लोगों ने षड्यंत्र करके इसको आचार संहिता उल्लंघन करने के लिए शिकायत की होगी। जो नोटिस आएगा मैं इसका जवाब दे दूंगा और जवाब के बाद सत्यता सामने आ जाएगी।